हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ की चाय बनाने की रेसिपी। वैसे तो चाय बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन गुड़ की चाय बनाना काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने चाय बनाई मगर वो फट गई। तो आज मैं इस रेसिपी में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिसको बनाएंगे आप जिस तरीके से तो आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी और आप इस चाय को बहुत इंजॉय करेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। 2 कप गुड़ की चाय बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक सॉस पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। हम यहाँ पे 2 कप गुड़ की चाय बनाएंगे, मगर 1.5 कप पानी हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि चाय बनाते वक्त जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, तो इसलिए 1.5 कप पानी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 40 से 50 ग्राम गुड़, जिसको कि हमने इमाम दस्ते में कूट लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 इंच की अदरक, जिसको कि हमने कूट लिया है इमाम दस्ते में। साथ साथ ऐड कर देंगे इसमें 3 छोटी इलायची, जिसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ऐड करेंगे 2 टीस्पून चाय पत्ती। और यहाँ पे इसमें 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और स्लो गैस पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उसके फ्लेवर हमारी चाय के अंदर अच्छे से रिलीज़ हो जाएँ। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चाय को पकते हुए, और जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली थी उसके फ्लेवर हमारी चाय में खूब अच्छे से रिलीज़ हो गए हैं। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चाय को 30 से 40 सेकेंड के लिए ठंडा होने देंगे, ताकि ये सेटल डाउन हो जाए। तो यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड हो चुके हैं और हमारी चाय जो है यहाँ पे सेटल डाउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गर्मा गर्म दूध, यानी कि एकदम बॉइलिंग स्टेट में हम यहाँ पे दूध को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ठंडा दूध ऐड किया तो आपकी जो गुड़ की चाय होगी वो फट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गुड़ की चाय बनाएँ हमेशा इसमें गर्मा गर्म दूध ही ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ऐड कर दिया है और इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारी चाय यहाँ पर एकदम बन के तैयार हो गई है। तो हम सीधा चलते हैं इसको कप में सर्व करने के लिए। तो अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से चाय को स्ट्रेन कर लेंगे कप्स में, और पूरे किचन में यहाँ पे गुड़ की चाय की खुशबू एकदम महक उठी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ताकि आपके गुड़ की चाय फटे नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।